देश के गृह मंत्री पिछले कुछ दिनों से देश भर में इतने दौरे कर रहे हैं कि ये देखकर लोग भी हैरान हैं। बताने वाले ये भी बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अमित शाह को लोगों से मिलने का समय तक नहीं मिला करता था, लेकिन अब अमित शाह लोगों से मिला भी करते हैं और जहां दौरा करते हैं वहां समय भी देते हैं और मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड में बातचीत में अपने विचार भी साझा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन सब चीजों की आखिर वजह क्या है। जहां सिनेमा में जय और वीरू की दोस्ती की दुहाई दी जाती है, वहीं राजनीतिक गलियारों में अमित शाह और मोदी की दोस्ती की चर्चा एक वक्त पर खूब हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अमित शाह और मोदी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनकी दूरियों की वजह आखिर है क्या, तो आपको बता दें, इनकी दूरियों की पहली वजह है जय शाह। जी हाँ, जय शाह यानी अमित शाह के बेटे। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से रिसर्च ये बताती है कि जय शाह के प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है। इनके पैसे कमाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी होती है और ये बात मोदी को पसंद नहीं आ रही है। एक समय पे कुछ लोग ऐसे थे जो मोदी के काफी करीब हुआ करते थे, लेकिन अब वही लोग अमित शाह के करीब हो गए हैं और जय शाह को आर्थिक फायदा भी पहुंचा रहे हैं और ये बात मोदी को रास नहीं आ रही है। अब आपको बताते हैं इनकी दूरियों की दूसरी वजह। जनता को मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार ना लगे, इस बात का डर मोदी को सता रहा है और इस बात का भय उन्हें होने लगा है कि अमित शाह खुद की छवि प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के सामने ना रख दे। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपनी करीबियां योगी से बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये भी बात कतई पसंद नहीं आ रही है कि अमित शाह के बेटे जय शाह की आर्थिक संपत्ति का वर्चस्व दुनिया भर में बढ़े जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में खून के रिश्ते को भी लोग धोखा देते हैं, तो जनाब ये तो फिर भी दोस्ती ठहरी। योगी आदित्यनाथ किसके ज्यादा करीब हैं, मोदी के या फिर अमित शाह के? देखिए, योगी आदित्यनाथ किसी के करीब हो या न हो, अक्सर ये चर्चा होती रही है कि अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की शायद वो केमिस्ट्री नहीं है जो किसी बड़ी पार्टी में बड़े पद पर बैठी है। ये चर्चा होती रही है, वस्तुस्थिति क्या है इसका आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं। और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा चीफ मिनिस्टर हो गए, जो वास्तव में हो गए वो, तो फिर योगी आदित्यनाथ का दावा वो प्रधानमंत्री पद जब भी खाली होगा तो नरेंद्र मोदी के बाद इनका बढ़ जाएगा, उनका दावा कम हो जाएगा। तो ये अपना अपना आकलन है, अपनी अपना अपनी अपनी सोच है। और एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि अभी परिकल्पना है कि क्या स्थिति होगी। और भाई वो कह दें कि भाई हमारे उनमें बड़ी दोस्ती है, हम आप उसको खारिज कर पाएंगे, नहीं खारिज कर पाएंगे ना। लेकिन जो दिख रहा है विषय, ऐसा भी नहीं है कि विषय हवा में आ गया और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह विषय, इस तरह की चर्चाएं चिंताएं राजनीति में और राजनीति के बाहर आम आदमी में भी होती है, चौराहे पे होती है, कॉफी हाउस में होती है, चैनल्स में होती है, अखबारों में टिप्पणियां होती हैं। तो यह विषय वास्तव में अभी नहीं, लेकिन आने वाले वर्षों में इस देश की राजनीति में एक बड़ा विषय होगा कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।